तो देख सकते हैं जी, फुल फ्लैश जो हमारी थाली पहुंच चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें दाल मखनी है, पनीर आइटम है, और ये रायता है, राइस है, और तंदूरी रोटी है, साथ में सैलड है। और जल्दी से चेकआउट करेंगे, हमारे देशराज भाई भी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे बड़े भाई दरोगा जी भी हमारे साथ हैं। तो ज़रूर चेकआउट करके जल्दी से बताते हैं फीडबैक किस तरह का जो खाना इनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये साइन बोर्ड तो मैंने खाना खाने के बाद जो बाहर जब हम वॉशरूम वगैरह गए तो देखा। और तो अभी हूँ सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है पंजहरा से लगभग 1 किलोमीटर आगे महादेव स्टेशन पर जो है इंदर ढाबा है। और ये देख सकते हैं आप, ये नेशनल हाईवे है, NH 105 है, और ये दिल्ली नालागढ़ मनाली वाला जो है NH है, और यहीं पर जो है ढाबा है, देख सकते हैं। और मैं किसी काम के लिए जो आज यहाँ पर नालागढ़ में जो है पहुँचा हूँ, और हम खाना खाने के लिए जो है इस ढाबा में पहुँचे हैं, किसी ने रेकमेंड किया है, और दिखाते हैं आपको किस तरह का यहाँ पर जो है खाना तैयार मिलता है। पार्किंग करने की काफ़ी अच्छी सुविधा है, और यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना जो है अवेलेबल है। और हमने भी यहाँ पे खाने का ऑर्डर किया, हम 3 लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चेकआउट करवाते हैं आपको किस तरह का यहाँ जो है फूड प्रेपरेशन होती है। प्यारी सी लोकेशन पे इनका ढाबा है, और देख सकते हैं आप, इधर कुछ इनका जो है अभी रेनोवेशन वर्क चला है, और कुछ इस तरह से जो है ये ढाबा है, और लिए चलते हैं आपको इसके अंदर। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेचुरल लुक में जो है बैठने का जो है मिल सकता है, और इस तरह से इस तरह जो है टेबल वगैरह जो लगाए गए हैं। तो हम भी जो है 3 लोग जो है खाना खाने के लिए रुके हैं, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ के ऑनर है, और हमारे साथ 2 लोग और हैं, ऑर्डर हमने कर दिया है। तो जल्दी से चेकआउट करके बताते हैं आपको कि कैसे जो है इनके द्वारा यहाँ पर जो है फूड प्रेपरेशन की जाती है। तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है, तो हम आपको विजिट करवाते हैं इनके किचन का। देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो हमारा फूड स्टफ जो है इनके द्वारा लगाया जा रहा है, पनीर आइटम है, दाल मखनी है, और ये देख सकते हैं आप इनका जो किचन है, और किस तरह से जो क्लीननेस है। और मेरे फेयर रिव्यू होते हैं, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम तो खाना खाने रुके होते हैं, और रहा नहीं गया, मतलब वीडियो दिखा देते हैं आपके लिए। इस तरह से जो इनका खाना जो है रेडी होता है, 24/7 जो है इनकी प्रेपरेशन चलती रहती है। और ये देख सकते हैं आप, इधर भी बैक साइड में बैक यार्ड जो है इनका तंदूरी रोटी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, और ये इनका जो है सारा इधर ये क्लीननेस आप चेक कर सकते हैं। ये कौन सी आइटम है? येलो दाल फ्राई। ये येलो दाल फ्राई है, और ये देख सकते हैं आपको ये कौन सी आइटम है? आलू मटर। आलू मटर है, और देख सकते हैं बिल्कुल लबालब जो है ग्रेवी से भरे हुए हैं। ये कौन सी आइटम है भैया? ये देख सकते हैं आप, ब्लैक चना जो है इनके पास, ये भी अवेलेबल है, पूरा फुल जो है इंडियन खाना, और इसके साथ जो है नॉन वेज भी आप अवेलेबल है जी। ये वेज ग्रेवी, ये देख सकते हैं आप, वेज ग्रेवी है, वेज की ग्रेवी है, जो नॉन वेज की आइटम्स रहती है उसकी रेडीमेड ग्रेवी जो है तैयार की गई है। ये चिकन करी, ये देख सकते हैं आप, ये जो है चिकन करी है, और ये अलग से रखी गई है। ये देख सकते हैं आप, नॉर्मल जो कढ़ी रहती है, और हमारे यहाँ पे जो है कढ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। तो कुछ इस तरह से जो है इनका मेन्यू है, और ये इनका प्रेपरेशन का जो है काउंटर है इधर, और ये खाना जो हमारे लिए भी यहाँ पे लग रहा है। इसे हम भी चेक करेंगे किस तरह की इनकी प्रेपरेशन है। और भैया प्लीज़ आप इससे पहले अपना दुकान का एड्रेस बता दें कि ताकि कोई हमारे व्यूअर जो है देखे, वीडियो देखे यहाँ पहुँचे, तो उनको जो है अच्छा क्वालिटी का फूड मिले। तो सबसे पहले अपना एड्रेस बताएं यहाँ का। हाँ जी, सत श्री अकाल, मेरा नाम हरप्रीत सिंह जी। जी, हमारे ढाबे का नाम है इंद्र ढाबा। आप चंडीगढ़ से आएंगे तो नालागढ़, नालागढ़ से ये सुभारगढ़ रोड है, मेन हाईवे 105 जी जी, ये ज्यादा सीधा मनाली जी। तो मैं लैंडमार्क वैसे दिखा दिया हुआ बाहर जी, नालागढ़ से 8 किलोमीटर आके ये इंद्र ढाबा पड़ता है महादेव में जी जी। और 24 घंटे खुला, कभी भी आ सकते हैं जी। 24/7 जो है इनके पास जो है यहाँ पे फूड स्टफ मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना जो है यहाँ पे अवेलेबल है। भैया प्लीज नंबर भी बता दे, ताकि कोई हमारे व्यूअर जो है प्री ऑर्डर करना चाहे, कोई आपसे पूछना चाहे कि इस तरह का फूड स्टफ मिलता है, तो प्लीज वो बता सके। बिल्कुल, मेरा नंबर है 98165-40427, और ये नंबर ऑनलाइन इनकी ढाबा गूगल पे है, और नंबर भी गूगल पे अवेलेबल है। तो भैया बता रहे हैं जैसे इनका ढाबा जो है गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जल्दी से हम भी चेकआउट करते हैं कि किस तरह से जो इनकी खाने की मेकिंग है। देख सकते हैं जी, फुल फ्लैश जो हमारी थाली पहुँच चुकी है, और ये देख सकते हैं आप, इसमें दाल मखनी है, पनीर आइटम है, और ये रायता है, राइस है, और तंदूरी रोटी है, साथ में सैलड है। और जल्दी से चेकआउट करेंगे, हमारे देशराज भाई भी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे बड़े भाई दरोगा जी भी हमारे साथ हैं। तो ज़रूर चेकआउट करके जल्दी से बताते हैं फीडबैक किस तरह का जो खाना इनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। चपातियाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हैं, है ना, जैसे तंदूर वाली रोटी होती है ना, बिल्कुल कड़क वैसी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट सी है। और पहली बाइट से पता लग जाता है खाने का, दाल मखनी बिल्कुल सटीक तरीके से बनाई गई है। भाई जी पनीर चेक करो आप, फेयर रिव्यू बताने था, क्वाइट डिलीशियस जो पनीर है, और उसके ऊपर इन्होंने मक्खन जो डाला है, और भी जो इसमें गार्निश की है, हाँ उसमें रिचनेस दी हुई है खाने में, बहुत बढ़िया है। और
हमारे जो है फेयर व्यूज़ हैं सारे, और भाई भी बताएंगे कि रायता टेस्ट करें किस तरह का है। अल्टीमेट बहुत बढ़िया है, सॉल्टेड है ना, बहुत बढ़िया सर। और देख सकते हैं, तो ज़रूर चेकआउट करें और हम इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई जी ने हमें स्पेशल 200 रुपये प्राइस की जो है थाली खिलाई है और काफ़ी हमने इंजॉय किया। और देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा जो है इनका ये ढाबा है और कम रेस्टोरेंट है, और वाहेगुरु जी की जो सारी हमारे जो तस्वीरें हैं वो सारी आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी सारी LED यहाँ पर लगी हुई है और कुछ इस तरह से है, और कुछ यहाँ पर जो है सोशल मैसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये इनका पूरा जो है मेन्यू है, देख सकते हैं आप। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ब्रेकफास्ट बेवरेज शेक्स रायता सैलड और इंडियन स्टाइल राइस, सारी इंडियन वैरायटी जो है अवेलेबल है। और ये इनके फ़ोन नंबर है, और ये बड़े भाई जी आप हैं जी, ये बड़े भाई जी हैं, और ये इनके छोटे भाई जी हैं, और ये इनके सेफ हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं सर? सर पानीपत से। पानीपत से जो इनके सेफ हैं, और सारा इंडियन खाना जो है इनके द्वारा तैयार किया जाता है। ये छोटे भाई हैं और बड़े भाई हैं, और ये सारा ढाबा है। और एक खास बात है यूनिक इनकी, जो मैं बाहर दिखाकर आपको चलता हूँ। ये साइन बोर्ड तो मैंने खाना खाने के बाद जो बाहर जब हम वॉशरूम वगैरह गए तो देखा, और देख सकते हैं आपको इंद्र ढाबा है। और यहाँ पर हर तरह के मरीज को फ्री खाना खिलाया जाता है। अगर किसी के पास पैसे खाना खाने के पैसे नहीं है तो उसको फ्री खाना खिलाया जाता है। और हमें बड़ी यूनिक बात लगी, और मैं इसको वीडियो में दिखाने के लिए स्पेशल भाई जी को बाहर लेके आया, क्योंकि आज के समय में जो है इस तरह का जो श्रद्धा भाव जो है हर कोई नहीं रखता है। तो ज़रूर विजिट करें, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें कि आचार्य जो है इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहें। और आपको जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए शॉर्ट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय बाय।